पीड़ितों पर अत्याचार रुकने का नाम नहीं ले रहा है। देश के कोने कोने में हर जगह आग लगी हुई है। गरीब मजदूरों पर, दलितों पर अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। दलितों के दो बच्चों को जिंदा जला दिया गया है, जिंदा जला दिया गया है। इतिहास गवाह है, जब जब कमजोरों और बेसहारों पर जुर्म हुआ है, तब तब भगवान ने अपना फरिश्ता उनकी लड़ाई लड़ने के लिए भेजा है। रॉक का मतलब होता है चट्टान और सन का मतलब होता है पुत्र। तो ये चट्टान पुत्र आप सभी लोगों की आवाज उठाने के लिए आप सब लोगों के बीच में है। क्या आज भी आजाद भारत में कास्टिज्म है? अगर कास्टिज्म नहीं है तो इस देश का प्रधानमंत्री 70 साल में दलित क्यों नहीं हुआ? और पूरे दलित समाज से अनुरोध करता हूँ कि आप सभी लोग रोशन का साथ दें। जय भारत, जय। ये दलितों के ही नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए मसीहा बन के उभरे हैं। इसने अपने भड़काऊ भाषण में भेदभाव की नीति अपनाई है, अराजकता फैलाने की कोशिश की है। इस पल के बाद हिंदुस्तान का एक एक दलित तहे दिल से तुम्हारे साथ है। ये तो मेरा सौभाग्य है, आप जैसे नेता मुझे समर्थन दे। पंचायत समिति, जिला परिषद, ये जो रोटेशन सिस्टम है, ये सिस्टम CM और PM पर क्यों नहीं लागू होता? ये भी रॉक्सन की मांग। रॉक्सन, तुम बिल्कुल चिंता मत करना, पूरा समाज तुम्हारे साथ है। 90 करोड़ जनता इस मांग के लिए मेरे साथ रहेगी और 2019 तक ये मेरा मिशन कामयाब होगा। मामला बहुत आगे निकल चुका है, हालात आगे जाके क्या करवट ले सकती है समझ में नहीं आता। मुल्क की आज़ादी के 70 साल बाद भी आज तक किसी दलित को प्रधानमंत्री नहीं बनाया गया। ये है माइनॉरिटी और ये क्या है मेजॉरिटी। तो हमें अपनी सत्ता मेजॉरिटी में लानी है। जब तक हम हमारे डिमांड लोगों के सामने रखेंगे नहीं, तब तक हमें समर्थन नहीं मिलेगा बहन। हमारे संविधान के जब 50 वर्ष पूर्ण हुए थे, तब इंग्लैंड में एक चर्चा सत्र का आयोजन किया गया था, जहाँ विश्व भर के सब न्यायाधीश लोगों ने एकत्रित होकर, एकजुट होकर बाबा साहेब द्वारा रचित संविधान को सर्वश्रेष्ठ माना था। एक उड़ान, एक उड़ान, हौसलों से भरी उड़ान। हमारी पार्टी महात्मा गांधी जी और अंबेडकर साहब के विचारों के ऊपर चलती है। हाँ, ये सही है कि महात्मा गांधी जी ने देश को आजाद कराया, पर हमें आजादी कहाँ मिली? हम तो अछूत के अछूत ही रह गए। हमें आजादी दी डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी ने। महर्षि वाल्मीकि ने रची है रामायण यहाँ, महर्षि व्यास जी ने रचा महाभारत यहाँ, भगवान बिरसा मुंडा ने जलाया दीप क्रांति का, बाबा साहब ने दिया है संविधान उजियारा। ये भारत है संत महापुरुषों की धरा, किसी नवाब की जागीर तो नहीं, किसी नवाब की जागीर तो नहीं, सबको है बराबरी का हक तो फिर यहाँ, सबको है बराबरी का हक तो फिर यहाँ, दलित प्रधानमंत्री क्यों नहीं? मैं रॉक्सन की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। हमें इस अत्याचार के खिलाफ लड़ना है, हमें इस मुल्क में बराबरी का स्थान पाना है और हमें अपना हक लेना है। एक आदमी गलत हो सकता है, मगर लाखों लोग एक साथ गलत नहीं हो सकते। जज साहब, दलित अब रोएगा नहीं, दलित अब गिड़गिड़ाएगा नहीं, दलित अब हक मांगेगा। अगर आपने हक नहीं दिया तो दलित छीन कर लेगा जज साहब।